अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने माना भारत का रूप बाप प्रधानमंत्री बने। देश के सबसे लोकप्रिय नेता ग्लोबल लीडर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनिस को मिला चौथा स्थान। चेन्नई अपोलो अस्पताल में की गई रोबोटिक सर्जरी, महिला की गर्दन से ट्यूमर को निकाला गया, नहीं आया महिला की गर्दन में कोई निशान। हिरोशिमा में जापानी पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, दुनिया को दिया शांति का संदेश। हवाई टिकटों की दरें तय करने के संतुलन सुनिश्चित करे कंपनियां, सरकार ने विमानन कंपनियों से कहा। जापान में भी शुरू हो सकता है यूपीआई से भुगतान, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हम डिजिटल इंडिया विजय को पेश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने सबूत मिटाने के लिए दो फोन नष्ट करने की बात कबूली, सीबीआई का बहुत बड़ा खुलासा। केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे, आपका बयान ये तानाशाही है। आईएएफ प्रमुख ने तुगलकाबाद एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, स्वदेशी गाइडेड हथियार प्रोजेक्ट का लिया अपडेट। दो दिन के गुजरात दौरे पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के कैंपस की नींव रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। टीएमसी के महासचिव को सीबीआई का समन, अभिषेक बनर्जी बोले भ्रष्टाचार के सबूत है तो गिरफ्तार करो। इंडियन नेवी की बागी सबमरीन की समुद्र में टेस्टिंग, पानी के अंदर माइनस बिछाने में सक्षम ये पनडुब्बी रडार की पकड़ में नहीं आती। सिद्धरमैया डी के दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मिले, शिव कुमार बोले नेताओं को आमंत्रित करने आए, शपथ ग्रहण में नीतीश और शरद पवार भी शामिल हुए। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के मामले में जहां कार्बन डेटिंग पर फिलहाल रोक लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रोका, कहा संभल कर चलने की आवश्यकता। कश्मीर G20 में शामिल होने से चीन का इनकार, का विवादित जगह पर बैठक नहीं करेंगे, भारत का पलटवार, हमें अपने क्षेत्र में मीटिंग करने की आजादी। G20 मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में हाई सिक्योरिटी माकोस कमांडो बोट से कर रहे पेट्रोलिंग, सेना ने एंटी ड्रोन डिवाइस की भी तैनाती की। 2000 रुपए के नोट होंगे चलन से बाहर, दिग्गजों ने इस फैसले पर दी प्रतिक्रिया, 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकेगा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर, बाराबंकी में डंपर में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, पुलिस ने राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया। गोंडा बहराइच हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाराबंकी में हादसे में एक महिला की मौत, सूचना पर उपनिरीक्षक ने घायलों को सीएससी बड़ागांव भेजा। एम्बुलेंस चालक को युवकों ने पीटा हरदोई में, चालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बुलंदशहर दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, 24 का मंत्र भी दिया, यानी कि जीत का मंत्र भी डिप्टी सीएम ने दिया। सीतापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, लखनऊ में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
सौतेले पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म। संभल में पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही। सुल्तानपुर में 5 अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त जांच का मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का बयान का अत्याचार करने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। यूपी में येलो अलर्ट जारी। भीषण गर्मी के बीच लू चलने की संभावना। 19 जिलों का तापमान 40 पार। मौसम विभाग ने आगरा के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। अखिलेश यादव की ताई समुद्रा देवी का निधन। 84 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में 400 लोगों की सुनी गई समस्याएं। सीएम योगी ने जनता को न्याय का भरोसा दिलाया। बाईस मई को होगी कांग्रेस की समीक्षा बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर चर्चा होगी। यूपी में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कई जेल अधिकारियों का भी हुआ तबादला। 6 जेल अधीक्षक और इसके अलावा 6 जेलर भी शामिल हैं। बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद। एटीएम के कैशियर एजेंट से लूटे 15 लाख रुपए। मेरठ में बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी। संबल में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हो रहा था भ्रूण लिंग परीक्षण। पुलिस ने दी आरोपियों को यानी कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। सिद्धार्थनगर में वाहन चालकों को दिए गए सख्त निर्देश। यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटा चालान। उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। चुनाव में भी बिना अनुमति निकाला था जुलूस। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। अलीगढ़ में ट्रक और ट्रैक्टर में हुई भीषण भिड़ंत। ट्रक का टायर फटने से हुआ गंभीर सड़क हादसा। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में सतवीर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। बेची गई जमीन पर खरीदारी पक्ष न ले सके कब्जा, इसलिए सतवीर की हत्या की गई थी। फिल्म स्टाइल में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में इंस्टाग्राम रील में युवक के हाथ में दिख रहा है पिस्टल। एक फोटो में पिस्टल को कस करता हुआ नजर आ रहा युवक। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। लखनऊ में स्कूल में 7 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा गया। स्कूल प्रशासन पर लगा बच्ची को पीटने का आरोप। पिटाई से सदमे में पहुंची मासूम। 15 लाख की बड़ी लूट की वारदात से हड़कंप। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम मशीनों से पैसे डालने जा रहा था कैशियर एजेंट। बिजौरा चौक की पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। सिद्धार्थनगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान। एसपी के निर्देश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया गया अभियान। लखनऊ में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस। जमीन बेचकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में 8 के खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट। आत्महत्या का प्रयास करने वाला चौकीदार भेजा गया जेल। लखनऊ में पत्नी का आरोप। प्रधान और उनके देवर की शह पर हो रही कार्रवाई।
निजी अस्पताल के दो कर्मचारियों पर 15 लाख के गबन का मुकदमा। लखनऊ में आरोपियों ने कई फर्मों से अस्पताल के नाम पर मंगाया था सामान। आरोपियों ने बाजार में बेच दिया था मंगवाया हुआ सामान। मंगेतर ने जॉब के नाम पर दुल्हन को ठगा। सगाई के बाद नौकरी लगवाने का दिया झांसा। 5 लाख हड़पे, शादी से भी मुकरा। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। राजनगर रेजिडेंसी के पास आग लगने से लोगों में हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जिम कॉर्बेट पार्क से लाई बाघन को सीएम धामी ने बाड़े में किया आजाद। मोतीचूर रेंज के जंगल में छोड़ा। एम्स के दो एम्बुलेंस यूनियनों के होड़ में मरीज की मौत। सड़क पर रोते बिलखते रहे परिजन। जो बोले सो निहाल की गूंज के साथ खुले कपाट। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। चौपाता तुंगना चंद्रशिला ट्रक पर गिरी बिजली। ट्रैकिंग के लिए गए थे दो युवक झुलसे। चतुर्थ केदार्थ की कपाट खुले। अब 6 माह यही करेंगे श्रद्धालु भगवान शिव के मुख के दर्शन। प्रदेश को सौगात। 25 मई से दून दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सिर्फ 3 घंटे का होगा सफर। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में गर्मी से मिलेगी राहत। परीक्षा केंद्र तक मजिस्ट्रेट पहुंचाएंगे समूगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। विधि विधान के साथ खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को मिला। सुडान में फंसे दो नागरिकों को लाया गया स्वदेश। दोनों ने प्रधानमंत्री और सीएम धामी का आभार जताया। पति की तबीयत बिगड़ी तो खुद पकड़ा स्टीयरिंग। सुर्खियों में आई कुमाऊं की दूसरी महिला टैक्सी चालक। भाजपा महिला मोर्चा नेत्री की मौत। 3 महीने पहले पति ने की थी आत्महत्या करने की कोशिश। मोबाइल ऐप बताएगा सड़कों के गड्ढे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। झुकने लगा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा तुंगनाथ मंदिर। बचाने के लिए एएसआई ने केंद्र सरकार से अपील की। मुस्लिम युवक संघ बीजेपी नेता की बेटी की शादी को लेकर मचा घमासान। विवाह रोकने की मिल रही धमकियां। कछुए को सड़क पार करवाने के लिए रोकी कार। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ी। दुकान के बंद दरवाजों ने खोल दी। शख्स की किस्मत जीत लिया 16 करोड़ रुपए का जैकपॉट। ये शख्स हमेशा एक स्टोर से लॉटरी के टिकट खरीदता था। जापान में पीएम मोदी ने किया गांधी की प्रतिमा का अनावरण। फूमियो किशिदा से मुलाकात के बाद कही बड़ी बातें।
चीन वियतनाम सीमा पर भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत। हादसे में मरने वालों में से एक व्यक्ति चीनी नागरिक था। पाकिस्तान में नहीं थम रहा बवाल, तलाशी के लिए इमरान खान के आवास पर पहुंची पंजाब पुलिस। सऊदी अरब पहुंचे जेलेंस्की, अरब लीग समिट में बोले जंग से नजरें न फेरे, हालात समझे। तेल कारोबार में रूस सऊदी के मजबूत रिश्ते। हिंसा से जुड़े केस में इमरान को प्री अरेस्ट बेल, 400 पुलिसकर्मी उनके घर जमान पार्क की तलाशी लेंगे और 6 फरार टेररिस्ट गिरफ्तार हुए। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में भारतीय महिला की मौत, पेसमेकर लगा था, 250 मीटर चढ़ने में लगे थे 12 घंटे, 3 दिन में चौथी मौत हुई। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में खर्च हुए 1000 करोड़, ब्रिटेन की संसद ने दी जानकारी, लगातार 10 दिनों तक हुए थे कार्यक्रम। पाकिस्तान को रास नहीं आ रही G20 की मीटिंग, जैसे मोहम्मद और मुजाहिद को दिया गया आतंकी हमले का आदेश। रूस ने व्हाट्सएप पर लगाया 41 लाख रुपए का जुर्माना, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप पर हुई कार्रवाई, व्हाट्सएप में बदलाव की तैयारी। सरकारी बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा, एनपीए भी घटा, लाभ में बढ़ोतरी हुई। भारत में कभी चलता था 10,000 का नोट, 1978 में चलन से बाहर हुए। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से एक साल में 7 लाख तक के खर्च पर नहीं लगेगा टीसीएस, वित्त मंत्रालय की दे सफाई थी। कांग्रेस ने अदाड़ी मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कहा निष्कर्ष पूर्व अनुमानित है। अडानी मामले में अभी तक नहीं मिली कोई नियामक गड़बड़ी और विशेषज्ञ समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। चीनी स्वामित्व वाली ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी के 8.26 करोड़ रुपए जब्त, फेमा के तहत कार्रवाई की गई। सरकार को 2022 से 23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए डिवीजन देने की मंजूरी मिली। कर्मियों को 18 माह के डीए का एरियर मिलने से उम्मीद, जहां 47 लाख कर्मी और 62 लाख पेंशनरों को होगा सीधा लाभ। तीन दिन के बाद बाजार हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 298 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 18,200 के पार। आईपीएल में नए शिखर पर पहुंचे धवन, आईपीएल में बने सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज, रोहित कोहली चोटे पीछे छोड़ा। रियान पराग के 2 सिक्स ने बत्ती पूरी कहानी, पंजाब के खराब फील्डिंग से फिसला मैच। ऑरेंज कैप की रेस में जायसवाल ने शुभमन गिल को पछाड़ा, शमी के सिर पर्पल कैप। यशस्वी जायसवाल का धमाल, जो अर्धशतक जड़कर तोड़ डाला आईपीएल का 15 साल पुराना रिकॉर्ड।
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान धवन दिखे मायूस, कहा 200 रन हमारे लिए अच्छा स्कोर होता है। आकाश चोपड़ा बोले मुंबई चेन्नई प्लेऑफ के सुपर जायंट्स टॉप फोर से फाइनल तक पहुंचना जानते हैं, दोनों ही गुजरात को फिर भी फाइनल में देखना चाहूंगा। चार विकेट से जीता राजस्थान पंजाब प्लेऑफ रेस से बाहर, जायसवाल पंडुकल ने खेली अर्धशतक पारी। जंतर मंतर पर रेसलर्स से मिलने पहुंचे सचिन पायलट, बोला निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, महज 24 मैच खापों की महापंचायत होगी। फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे नडाल, 2005 में डेब्यू करने के बाद पहली बार नहीं लेंगे हिस्सा, अगले साल ले सकते हैं संन्यास। WTC फाइनल में टीम इंडिया पर भारी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, रिकी पॉन्टिंग ने खिताबी मुकाबले में पहले बड़ा बयान दिया। मुंबई के बांद्रा में 19 फ्लोर का होटल बनाएंगे सलमान खान, इन सुविधाओं से लैस होगा बिल्डिंग। NFL लीजेंड और अभिनेता जिम ब्राउन का निधन, 87 की उम्र में ली आखिरी सांस। सयामी को सचिन तेंदुलकर के नाम से चिढ़ाते हैं गुलशन, मेट्रो स्टेशन पर शूटिंग करना नहीं था आसान, बारिश के लिए घंटों इंतजार होता था। चालान के बाद भी पुलिस जीप के सामने दिखे अमिताभ, फोटो शेयर कर बोले फैंस ने कहा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बांद्रा में स्पॉट हुई नौरा फतेही, ऑल ब्लैक सपोर्टी लुक में काफी स्टाइलिश नजर आए, फैंस ने तारीफ की। लग्जरी लाइफ स्टाइल छोड़ गांव में ट्रैक्टर चलाती दिखी नव्या नवेली नंदा, वीडियो हुआ वायरल। कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना ग्लैमर बिखेरने के बाद भारत लौटी सारा अली खान, फैंस को सेल्फी देकर एयरपोर्ट पर दौड़ने लगी एक्ट्रेस। नहीं रहे आयुष्मान खुराना के पिता, 2 दिन से हॉस्पिटल में थे एडमिट, दिल की बीमारी का चल रहा था इलाज। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म द केरला स्टोरी के ताबड़तोड़ कमाई जारी, 15वें दिन 200 करोड़ क्लब के करीब पहुंची फिल्म। जानवी कपूर ने रखा द लिटिल परमिट की दुनिया में कदम, बच्चों को कविता सुनाते अचानक बनी राजकुमारी एरियल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।